अगर आप इस बार कोई दो पहिया वाहन लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा मोघट रोड पर, जहां पर है नेशनल ऑटो मोबाइल्स। जी हां, यामाहा का ये शोरूम, जहां पर आपको कई प्रकार की गाड़ियां मिलेंगी, अलग अलग वैरायटी की गाड़ियां मिलेंगी, दो पहिया वाहन इस तरह से मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अगर आप एक अच्छी गाड़ी पर राइड करना चाहते हैं, अच्छी गाड़ी पर सवारी करना चाहते हैं, तो आपको एक से बढ़कर एक मॉडल यामाहा के यहाँ पर मिल जाएंगे। यामाहा की यहाँ पर अलग अलग तरह की गाड़ियाँ हैं। अगर आप परिवार में किसी भी तरह के बच्चे के लिए लेना चाहते हैं, बड़े के लिए लेना चाहते हैं, यंगस्टर को अलग अलग बाइक की ज़रूरत है, तो आप यामाहा के इस नेशनल ऑटो मोबाइल्स के शोरूम पर आएंगे, जहाँ पर आपको अलग अलग वेराइटी की गाड़ियाँ मिलेंगी। जी बताइए, किस तरह के हालात बने चुनाव में और आप लोग क्या कुछ? देखिए, हमारा कहना यह है कि इस बार खंडवा ज़िले में निष्पक्ष चुनाव नहीं हुए हैं। एक वारदात होती है मानदाता में, साड़ियाँ बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है, लोगों पर गलत तरीके से केस बनाए जाते हैं, उसकी कंप्लेंट की जाती है, कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा क्या ऐसा ही होता है, माननीय विजय शाह जी हमारे कार्यकर्ताओं को मारते हैं, उनको शायद ये लग रहा है कि वो इस बार चुनाव हार रहे हैं, उन्होंने बुरी तरह हमारे दो कार्यकर्ताओं को देर रात मारा। हमने उसकी कंप्लेंट की है रोशनी थाने में, लेकिन उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन बच्चों का मेडिकल हुआ, उनके चेहरे पर चोट के निशान है। हम चाहते हैं, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, उसके बाद ऊपर से आप देखिए दूसरा कृत्य क्या होता है, जब वो मार खाने के बाद वहाँ से भागते हैं, उनकी गाड़ी में दो पेटी शराब रख के और उस पर केस बनाया जाता है, ये निंदनीय है। प्रजातंत्र में इसकी ऐसे कृत्यों की कोई स्थान नहीं है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और हम इसकी निष्पक्ष जाँच की मांग करते हैं। हमने चुनाव आयोग से भी शिकायत की, हमने खंडवा SP से भी शिकायत की, हमने सभी जगह जहाँ जहाँ शिकायत की जा सकती थी हमने की है, पर कहीं से भी देर इज नो रिस्पॉन्स। चारों विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य। इस बार जनता ने हमारी बात सुनी है, समझी है, कमलनाथ जी अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं 3 तारीख के बाद, ये हमारे लिए खुशी का विषय है। घर में हो शादी विवाह या कोई भी मांगलिक आयोजन, टेंशन किस बात का? रश्मि टेंट हाउस वाले जगदीश भाई का दशमेश परिसर अवस्थी चौराहा और रश्मि मांगलिक परिसर सेठी नगर है ना? जी हाँ, जहाँ आपको मिलेगी सारी व्यवस्थाएं, जैसे केटरिंग, साउंड, स्टेज, लाइट्स, डेकोरेशन और वो सब जो बनाएगी आपके आयोजन को और भी बेहतर। तो फिर देर किस बात की, शीघ्र ही बुक करें। संपर्क जितेश कपूर 9770434886, नितेश कपूर 9827537488।